साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर प्योरली जेन्युइन और साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज आपको मिलती है। उसी के तहत आज मैं आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे उन्हीं को लेकर के बहुत बड़ी भ्रांतियां आपके दिमाग से लिक्विड कैल्शियम, लीवर टॉनिक और मिनरल मिक्सर को देने को लेकर के निकाल रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं, मैं लगातार जब भी डेयरी फार्मर से बात करता हूं तो वो बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं लीवर टॉनिक को लेकर के, कैल्शियम और मिनरल मिक्सर को लेकर के। तो प्लीज़ आप वो गलतियां मत कीजिएगा। इस वीडियो में आपको कंप्लीट में जानकारी दे देता हूं ताकि बार बार आप लोगों के कमेंट नहीं आए लीवर टॉनिक, लिक्विड कैल्शियम और मिनरल मिक्सर को लेकर के। देखिए, नंबर वन बात, मैं लिक्विड कैल्शियम से ही शुरू करूँ तो एक नॉर्मल सी बात है कि लिक्विड कैल्शियम की ज़रूरत कब है। कई भाई जो है वो अपने मेल जानवरों को भी कैल्शियम दे देते हैं, कोई ताकत मिलेगी। ये ताकत नहीं, जब शरीर में जितने भी मिनरल और विटामिन होते हैं, आप एक दिमाग में बात रख लीजिए, अगर ये ज़्यादा होंगे तो भी नुकसान करेंगे, तो कम होंगे तो भी नुकसान करेंगे। अगर आपने कैल्शियम ज़्यादा दिया तो भाई वो कैल्शियम हड्डियों का जो जॉइंट है उनमें जमा होगा और अकड़न, जॉइंट खराब हो जाएंगे। इसीलिए प्लीज़ ज़्यादा नहीं देना है, मेल को देने की आवश्यकता नहीं है जब तक आपके पशु चिकित्सक आपको नहीं कहे तब तक, क्योंकि वो उसको चेक करेंगे कि इसमें कैल्शियम का लेवल कितना है, उसके बाद ही देना होता है। तो मेल के लिए तो कट हो गया। अब फीमेल में बात आती है कि हम कब दें। कई भाई जो है वो कैल्शियम के बड़े बड़े कैन रखते हैं और एनी टाइम हर जानवर को देते रहो, अपने वर्कर्स को कह देते हैं कि भाई रोज़ 100 ml पिलाते रहो। वो तरीका बिल्कुल भी गलत है। जब भी कोई गाय भैंस बच्चा देती है, बच्चा देने के बाद हम कैल्शियम के जेल 3 दिन तक दे देते हैं। बच्चा दिया उस दिन, सेकेंड डे और थर्ड डे, ये हो गया कैल्शियम का प्रिपरेशन, जो इंस्टेंटली मतलब एकदम से कमी हुई है उसको दूर कर देगा। उसके बाद आप लिक्विड कैल्शियम देना शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो जो लिक्विड कैल्शियम आप दे रहे हैं 100 ml रोज़ देते रहिए, वो कंपनी जो आप किसका यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन करना तभी तक है जब तक वो दूध दे रही है। गैपिन होने ना होने से इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक दूध दे रही है आप कैल्शियम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बात होगी क्लियर। जो गाय भैंस एडवांस प्रेगनेंसी में है, बच्चा देने वाली है 15-20 दिन पहले, प्लीज़ बंद कर दीजिए। आपको पता है ड्राई पीरियड में कैल्शियम का कोई रोल नहीं है। ड्राई पीरियड में बार बार कहता हूँ कि जब भी दूध देना बंद करे उस समय कैल्शियम बंद कर दीजिए। हो गई नॉर्मल बात कैल्शियम की, कोई शंका समाधान सब आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सेकेंड बात है, वो है मिनरल मिक्सर की। देखिए, मिनरल मिक्सर जो होता है, अब आप कहेंगे सर मिनरल मिक्सर में भी कैल्शियम होता है। जी हाँ, मिनरल मिक्सर में कैल्शियम होता है, लेकिन वो कैल्शियम जो है वो विटामिन और मिनरल के साथ मिला हुआ है और उतने कैल्शियम की ज़रूरत तो हमारे पशु को रहेगी ही रहेगी। यानी वो कैल्शियम मिनरल मिक्सर के रूप में जो आप दे रहे हैं वो हर वक्त चालू रख सकते हैं। कोई कंपनी कहती है 100 ग्राम हमारा दीजिए, कोई कंपनी कहती है 50 ग्राम दीजिए, तो जो कंपनी रिकमेंड कर रही है उसके हिसाब से आप मिनरल मिक्सर एनी टाइम हर जानवर को दे सकते हैं। लेकिन जो बच्चा देने वाली है उसको बच्चा देने से 1-2 महीना पहले आप मिनरल मिक्सर की जो मात्रा है वो आधी कर दीजिए। हाँ, 20 दिन जो अंतिम बचते हैं उसमें तो आपको आधी करनी है, उससे पहले अगर आप नहीं भी करते हैं तो चल जाएगा। यानी मिनरल मिक्सर एनी टाइम देना है, सिर्फ बच्चा देने से 20 दिन पहले मात्रा को आधा कर देना है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब सबसे बड़ी गलती होती है और वो होती है लीवर टॉनिक को लेकर के। फ्रेंड, लीवर टॉनिक मैं देख रहा हूँ कि डेयरी फार्मर 5-5 लीटर 10-10 लीटर मंगा रहे हैं और वो मंगवा करके 100-100 ml रोज़ देते जा रहे हो, लीवर हेल्दी रहेगा, अच्छा रहेगा। ये बिल्कुल गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है। आपको लीवर टॉनिक सिर्फ महीने में 10 दिन देना है, सिर्फ महीने में 10 दिन लीवर टॉनिक देना है, बाकी आपको लीवर टॉनिक देना ही नहीं है। जब भी कोई गाय भैंस बीमार हुई, बीमारी के बाद वो जो ही ठीक हुई, उसके बाद आप 10 दिन तक लगातार दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अगले महीने 10 दिन दे दीजिए। जब भी आपने किसी भी गाय भैंस बकरी जो भी जानवर है काफ वगैरह उनकी डिवॉर्मिंग करवाई, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा दी, उसके बाद 10 दिन तक दे दीजिए, सेकेंड डे से शुरू कर दीजिए और फिर हर महीने 10-10 दिन देते रहिए। पशुपालन आसान हो जाएगा। हमने बहुत सारे पशुपालन के टिप्स आपको बताए हैं जिनसे कि बहुत मदद सभी को मिल रही है। प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आप लोगों के आते हैं कि सर आसान हो गया, तो हमारा उद्देश्य भी यही है। और अब तो हमने डेयरी फार्मर्स जो व्यवसायिक दृष्टि से डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी
एक कोर्स लॉन्च कर दिया है जो हर महीने की 5 तारीख से शुरू होता है। उसमें भी आप पार्टिसिपेट करके अपने आप को डेयरी फार्मिंग की जानकारी A to Z जिसे कहते हैं, यानी कोई भी प्रकार की पीछे नहीं रहेगी, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण दूध की बहार, स्काईलार्क का वादा सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।